गुड मॉर्निंग डॉक्टर ऐश, उठ जाओ बेबी, चलो उठो, सुबह हो गई। उठो उठो उठो, थोड़ी देर और। बाबू तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया ना मैंने, चलो उठो। नहीं ना बाबू, चलो उठो उठो उठो, चलो चलो, हॉस्पिटल में पेशेंट वेट कर रहे हैं आपका, चलो उठो, चलो खड़े हो। ओके बाबा। ये लो इसे खाओ, फिर नहाओ, फिर काम पे जाओ, ठीक है? जब तक मैं घर की सफाई करता हूँ। ओके, लव यू, बाय। ऐश्वर्या बेबी, क्या कर रहे हो आप, लेट हो रहे हो हॉस्पिटल में। चलो, मतलब चिंता ही नहीं है ना काम की, ना अपनी किसी चीज की भी। लो गाड़ी की चाबी, चलो चलो चलो। अरे यार बेबी, बिना फोन के जाओगे क्या? चलो 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 बेबी, काम पे ध्यान देना, फोन में मत लगना, टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है? बाय, लव यू। ओ हेलो, ओ हीरो, कहाँ, किराया कब देगा? भैया इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आज शाम को पक्का दे दूंगा, ठीक है? नहीं, जॉब कैसे लगेगी? जॉब ऐसे लगेगी लड़कियों से बातें करके फोन में। ओ भैया लड़कियों से बातें नहीं कर रहा, गेम खेल रहा हूँ। अगर गेम खेल रहा हो तो MPL पे खेल ले भाई, थोड़े पैसा तो कमा लेगा, कम से कम मेरा किराया तो देगा। MPL? हाँ। ये MPL क्या है? जैसे क्रिकेट में IPL होता है, ऐसे मोबाइल में MPL होता है, मोबाइल प्रीमियर लीग। इसमें 24 घंटे कोई ना कोई लीग चल रही होती है। आ खेल और पैसे कमा। अच्छा, पैसे कैसे कमाएंगे? कुछ नहीं, बस पार्टिसिपेट करने के लिए पेटीएम से इसके अंदर कैश डाल और खेल। पर कैश का ही तो पंगा है। तो एक काम करना, अपने दोस्तों को शेयर करिए ऐप, टोकन मिलेगा तो टोकन से खेल। ले मैं तेरे को रनिंग गेम खेल के दिखाता हूँ। ये ले, तेरे सामने 1000 रुपये जीता हूँ। मान लो जीत भी गए तो मतलब ये पैसे हमारे तक कैसे आएंगे? गरीब आदमी, अगर तुझे ये पता होता तो आज तू मकान मालिक होता, मैं किराएदार। पेटीएम से और UPI से दो साइड में तेरे बैंक में आ जाएंगे। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, वो डाउनलोड करने के लिए वाईफाई का पासवर्ड। निकल, और शाम तक ना किराया दे दियो, वरना बोरिया वस्त्र उठा के फेंक दूंगा तेरा। हाँ तो पानी की बोतल तो ली थी ना, अब एक घंटा वाईफाई यूज कर ले तो क्या दिक्कत हो गई? सिक्योरिटी, इसको बाहर निकालो यार। एक सेकंड, खुद चले जाएंगे, इज्जतदार लोग हैं। जल्दी जा। वे मैं चाहता हूँ जन्मों जन्मों तक साथ रहे, साथ जिए साथ मरे। मैं बस चाहता हूँ साथ रहे। बेबी मैं भी तो यही चाहती हूँ। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। बेबी आपके ऑफिस का टाइम हो गया ना? बेबी अभी 10 मिनट है तो। अरे 10 मिनट तो मैं करते करते निकल जाएंगे। जाओ बेबी, आई लव यू, बाय। बेबी मैं चाहता हूँ जन्मों जन्मों तक साथ रहे, साथ जिए साथ मरे। मैं बस चाहता हूँ साथ रहे। मैं भी यही चाहती हूँ, पर आपको तो पता है ना मेरे घर वाले। गया नहीं तो अभी तक, चल। आशिक हूँ मैं पागल। ओयो हेलो आशिक पागल, किराया कहाँ मेरा? किराया? थैंक्स। अबे साले तेरी इतनी हिम्मत, लाइट है। 6 महीने किराया ना? हाँ। वैसे ना आज मेरी आंखें खुल गई, पता है? ऐसा किराया दे और बंद करने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। आज ना ये सामने हमारा रेस्टोरेंट है ना जो घर के बाहर, आज उसमें मैंने एकदम आपकी शक्ल का इंसान देखा। कितना? 6 महीने का किराया ना? अभी भाभी को देखे। आदि मेरे भाई बैठ, मर्दों की बातों में औरतों का क्या काम। अरे यार 6 महीने का किराया मैं अभी भाभी को दे। अरे यार बैठ ना आदि, बैठ ना, बोल क्या चाहिए तुझे? 160 ml बनाओ। अभी बनाता। चल बॉटम सब मारते हैं। चेस ऐसे घर वाले का और बाहर वाले का ऐसे चक्कर चलाते हो तो डरवर नहीं लगता क्या? मेरे कला है, कला जैसे शायर की कला है उसकी शायरी, सिंगर की कला उसकी सिंगरिंग, ऐसे एक आशिक की कला है उसकी आशिकी। इट्स ऑल अबाउट आर्ट। और वैसे भी घर की दाल खा खा के आदमी पक ही जाता है। लाइफ में थोड़ा लेग पीस भी तो होना चाहिए। देखो ये लेग पीस के चक्कर है ना, गले में किसी दिन हड्डी ना फंस जाए, देख लेना। बेटे हम वो कुत्ते हैं जो बोटी के साथ हड्डी भी निकल लेंगे। सही
संकेत है ऊपर वाले का। उसकी बीवी वो बहुत खड़ूस है और अगर उसको पता लगा ना कि हम दोनों साथ रह रहे हैं बिना शादी के तो वो अपने पति से डिवोर्स कर लेगी और ये मैरिज नहीं होने दूंगा, तो तुम चलो। नहीं, मुझे तो यही रहना है। किराया मैं देता हूँ ना, किराया मैं कल देता हूँ, कल पक्का। बेबी ये आदि भैया हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और इस घर के मकान मालिक हैं। क्या मैं मालिक? हाँ देखा, बोला मैं मालिक, ये मालिक, तू मालिक, मालिक हाँ हाँ मैं मालिक हूँ ना, तो इस महीने का किराया लाओ। है? किराया इस महीने का देना पड़ेगा ना, किराया लो। दे किराया मैं देता हूँ ना, कल तक देता हूँ, अभी चाहिए किराया, अभी इसी वक्त किराया चाहिए जल्दी। इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है। ये कौन है बताओ ना? ये गर्लफ्रेंड है और ये बीवी है और इस घर की मालकिन भी, मालकिन बीवी दोनों। मैम मैम क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती हूँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किराया देता नहीं है, अब तुम भी रहने आ गई हो? नहीं नहीं मैम, हमने ना आज पूरा किराया दे दिया। पूरा? हाँ पूरा। सही में? हाँ अभी देना, जस्ट अभी दिया। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, जितने रहने रह सकते हो। बेबी एक काम करो, आप ऊपर जाओ, मैं आपका सामान रखता हूँ, जल्दी आओ। बाय, आई लव यू। अरे वो वीर, ये क्या पहना तुमने? ये बेबी इसने मेरे को बोला पहनने के लिए। पहना करो, इट सूट्स यू। बाप बताओ बड़ी लकड़ी तो ले लिया, मैनेज कैसे करोगे? बेटे बहुत सिंपल है, दो तीन दिन में उसके घर वाले वैसे उसे इमोशनल के फोन करेंगे ही, तो उसको वैसे भी जाना पड़ेगा, तो क्या ना जब तक हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे ना। बेबी बेबी सोने कब आओगे? फक बोला था मैंने सारी बहने आएगी लेने, दिल तेरा आए अकेली, हाय अकेली, या लाए सहेली, उफ सहेली, जैसे भी मिली मिलते जा मिलते जा मिलते जा मिलते जा मिलने ले ड्रीम सजा के मिलने ले क्रीम ले।
बेबी आज फाइनली हम मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज दोनों से छुट्टी मिली। दोनों से मतलब? मेरा मतलब घर से और ऑफिस से। ओह बेबी आई लव यू। लव यू टू। तुम भी करो ना। करो ना। करीना। करीना नहीं करो ना। करीना। यहाँ क्यों लिया है? वहाँ ना बहुत खुल्लम खुल्ला था, यहाँ बिच्चा बिच्चा है, यहाँ किस करता हूँ? अब करो किस? ये कैसी आवाज थी? कांड फटने की। क्या? वीर? कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? कौन कौन? वही जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। मेरे साथ कौन थी? कोई है? गर्लफ्रेंड है मेरी। क्या? हाँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड करीना नहीं थी? हाँ तो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, दो या इसकी तरह अभी उसकी लाइफ, उसका रिलेशन, हमको क्या? खोलो। हमको क्या? तुम मुझे ये बता, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये लेने आया था। तुम नोएडा से गुड़गांव ये लेने आए हो? ये गुड़गांव है। गलती से गलत लोकेशन डल गई। कोई खोलो प्लीज, ओपन द डोर। अरे आप छोड़ो, आप जाओ शॉपिंग करने जाओ। क्या हुआ? कौन सा गर्लफ्रेंड? तेरी भी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी तीन हो सकती है, मेरी एक नहीं हो सकती। कम से कम बता तो देता। तुमने बताया? ये कौन है? बेबी वो क्या बोलना नहीं आता? अरे बोलते जुबान लड़ाएगा। अरे मैं कह चुप, बताए कौन है? Somebody help please, खोलो। भैया इतनी देर से कोई दरवाजा खटखटा है, खोल दो। तू वाला बीच में रह, भाग यहाँ से। मैं बताता हूँ। ये ऐश्वर्या है, मेरी बीवी। तुम कौन हो? ये वीर है, मेरा मकान मालिक। और ये कौन है? मैं इसकी गर्लफ्रेंड। उसकी लाइफ, उसका रिलेशन, हमको क्या? पर ये कितनी गलत बात है। गलत तो राहुल गांधी भी है ना, पर हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। काश दुनिया के सारे हस्बैंड तुम जैसे लॉयल होते। इस जैसे कमीने ना किसी को नहीं मिलने चाहिए। बेबी अगर मेरे जैसे हुए ना तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ यूनिक होना चाहिए ना, मेरे साथ स्पेशल है ना। अब ना एक काम करो, तुम जाओ, मैं शाम को आपसे मिलता हूँ, ठीक है? बाय। ओके, लव यू। चलो चले यहाँ से, चले। वीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये लेने आया था, मस्त प्लास्टिक वाली है। तुम नोएडा से? ये आदि किसके साथ है? आदि वो ऐश्वर्या होगी ना? वो ऐश्वर्या नहीं है, ऐश्वर्या के पास स्ट्रेट है, उसके कर लिए। कौन है ये? उसकी गर्लफ्रेंड। मतलब वो शादी के बाद अफेयर कर रहा है? बेबी उसकी लाइफ, उसका रिलेशन, हमको क्या? वीर खोलो। अंदर कौन है और ये तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? अब पूरी दुनिया में मैं ही वीर हो गया यार। हो सकता है उसके कोई बॉयफ्रेंड का नाम वीर हो और उसने अपनी बीवी के डर से उसको अंदर लॉक कर दिया हो। यार कितना शक करती हो तुम मेरे पे। नहीं, I'm sorry. अच्छा मैंने इसको ट्राई करके देखती हूं। नहीं, तुम अंदर ही जा सकती। क्यों? बिकॉज ये मेल चेंजिंग रूम है। बेबी फीमेल लिखा है, हटो। दीपिका तुम कहाँ थी यार? तुम्हें ढूंढते मैं गुम हो गया था। पता नहीं किसी कुत्ते के पिल्ले ने गेट बंद कर दिया था। चलो आइसक्रीम तुम्हें दीपिका खिलाता हूँ। चलो दीपिका तुम आइसक्रीम खिलाता हूँ। चलो मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। पहले मैं बताती हूँ, आदि है ना, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। नहीं तुम गलत हो, उसका दो लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। और आपको ये बात पता है? हाँ मैं तुम्हें बताने वाली थी। मुझे तो ऑलरेडी पता है, आपको इस बात से कोई इशू नहीं है? मुझे क्या इशू होगा? जब तक तुम्हें कोई इशू नहीं है, घर के बाहर जब तक है तब तक आई एम फाइन विद इट।
हाँ वैसे सही भी है, आफ्टर ऑल मॉडर्न जमाना है, काफी मॉडर्न. ठीक है I'll go. Bye. बेबी आज घूम के ना मजा आएगा तुम्हारे साथ. आई लव यू बेबी. छोटू एक ग्लास पानी लगा दे. वे तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? हम इस घर के नौकर हैं. नौकर? हमने कब रखा नौकर? तुमने नहीं, इस घर के मालिक ने रखा है हमें. अबे तो मैं ही तो हूँ मकान मालिक. तुम मालिक? बेबी मैं मकान मालिक कैसे हो सकता हूँ? मैं तो किराएदार हूँ ना. बेबी मैं तो किराएदार हूँ ना. किस खाता है यहाँ पे? अम्मा के साथ आए हैं. अम्मा के साथ? हाँ. फंसे हो गए. बेबी इधर आओ. बेबी सुनो, तुम ऑफिस जाना है ना, तुम ऑफिस निकलो. आई लव यू. तुम लेट हो रहे हो, जल्दी जाओ. आई लव यू. हाय अम्मा. अरे बेटा वीर. मम्मी जी आप कब आए? नमस्ते मम्मी जी. नमस्ते. तुम इन्हें मम्मी जी क्यों बोल रहे हो? मेरा बेटा है वीर, इस घर का मालिक. मालिक है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम तो कह रहे थे कि तुम किराएदार. पागल, मैंने क्या बोला? वो आज फिर गांजा पी के आया. मम्मी जी छोड़ो ना, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे. ठीक है, ठीक है. ये कौन है? ये आदि है, इस घर का किराएदार. और ये? ये करीना है. ओ, करीना ये मेरी मम्मी है. मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी. नमस्ते. ये करीना कौन है? गर्लफ्रेंड. हाँ गर्लफ्रेंड है. ये गर्लफ्रेंड है तो फिर इनके पैर की छुरी है ये. मैं बताता हूँ. वो क्या है ना कि इसकी खुद की मम्मी नहीं है, तो जब भी किसी और की मम्मी देखते ना तो पैरों में पड़ जाती है. बहुत अनाथ है. चाय मिल जाती तो. चाय नहीं, आपके हाथों की मिल जाती तो प्लीज. ठीक है मैं बनाती हूँ. लव यू मम्मी. चलो बेबी. सुनो मेरे पास ना एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, तो मैं पहले कौन सी बताऊं? बैड न्यूज बता दो. मैं ना वापस जा रही हूँ. क्या? वाओ अमेजिंग. हाँ I mean, oh, no, shit. और गुड न्यूज ये है कि मम्मी पापा ने मुझे फोन किया और मुझे वापस बुला रहे हैं. यार काश तुम एक दो दिन और रह जाती. हाँ मैं भी सोच रही थी, तो मैं कुछ दिन और रुक जाती. नहीं 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 बेबी, आपकी घर वाले आपका वेट कर रहे हैं ना. आप एक काम करो, कपड़े पैक करो, मैं आदि के साथ टैक्सी लेके आता हूँ. ठीक है? ठीक है. बाय. लव यू. सुनो सुनो, मेरी ना फ्रेंड आने वाली है अपने एंगेजमेंट का कार्ड देने. पांच मिनट में आ रहा हूँ. देखो अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है. अब मैं नहीं खेल रहा इस गेम में. आई क्विट. वैसे भी एमपीएल पे ना गेम खेल खेल के मैंने इतने पैसे तो कमा लिए कि तुम्हें किराया दे सकूं. अगर सोनाक्षी को पता लग गया ना तो जान से मार देगी मुझे. भाई यार क्यों टेंशन ले रहा, अब सब सॉर्टेड है. उसके घर से कॉल आ चुका है, वो वैसे जा रही है आज. आराम से कर लेंगे ना. मैंने तो चलना. बेबी हाय. सी सोनाक्षी आई है, मेरी स्कूल की फ्रेंड जिसकी एंगेजमेंट होने वाली है. ये ने क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार अभी गंदे गंदे इशारे मत करो. आदि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यही तो हमारे मकान मालिक है. मकान मालिक? ये मकान मालिक कैसे हो सकता है? ये तो खुद किराए पे रहता है. मकान मालिक तो ये है जो दिन मॉल में मिले थे ना बीवी के साथ. बीवी के साथ? नहीं नहीं नहीं, वीर की गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ. बीवी तो इसकी है जो इस घर की मालकिन है. आदि की बीवी कैसे हो सकती है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं हमारी एंगेजमेंट का इनविटेशन देने आई हूँ. और मकान मालिक तो ये है.
वीर ये सब क्या चल रहा है? बताओ ना क्या चल रहा है सब? मैं बताऊं देखो कुछ नहीं है, छोटी सी कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर करता हूँ। ये सोनाक्षी है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? ये आदि है, ये इसका होने वाला मंगेतर है, ठीक है? मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो मैंने कहती नाना नाना। तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कौन ऐश्वर्या, कौन अभिषेक, हमको क्या? मैं तो तुम्हारा ना बेबी। बहुत अच्छा था। अरे ये तो ऐश्वर्या है, वीर की बीवी जो उस दिन मॉल में मिली थी। अरे पागल औरत, ये वीर की नहीं आदि की बीवी है, याद है जिसके बारे में मैं तुझे बता रही थी? मैं ना बोल रही हूँ कि जो तेरा होने वाला पति है ना, ये तेरे पे अभी से चीट कर रहा है। ये कैसा घटिया मजाक है? मैं वीर की बीवी हूँ और तुम दोनों इसकी गर्लफ्रेंड हो। ये तुम दोनों पे चीट कर रहा है। आदि तू उस पे चीट कर रहा है? बेबी ये सब इस बंदे का क्या दर है? ये बहुत बड़ा कमीना है। ये सब इसका क्या दरा है? मैं तो फालतू में फंस गया। क्या ये सच कह रहा है वीर? ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ वीर बताओ सबको, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या नहीं? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो बिल्कुल है। पता कैसे? देख वो एक गर्ल है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो वो मेरी गर्लफ्रेंड हुई। इसी हिसाब से मैं एक बॉय हूँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो मैं उसका बॉयफ्रेंड हुआ। ऐसे ये दोनों एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए, ऐसे हम सब एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कमाल की बात है ना, पूरी दुनिया एक दूसरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गलती ना मेरी है जो मैंने तुम जैसे इंसान पर विश्वास किया। ऐश्वर्या तुम्हारा ये पति ना, तुम्हें को मुबारक हो। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? सुनो देखो, तुम नहीं जाती प्लीज। मैं कुत्ता था, मैं नीच था, मैं गधा था, मैं हरामजादा था, मैं सब था। बस बेबी तुमसे ही प्यार करता था मैं, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, मत जाओ। बेटा जो होना था उसे हो गया, देख कैसे रो रहा है, प्यार तो करता है ना तुझसे। माफ कर दो ना प्लीज। भाभी छोड़ो ना प्लीज, माफ कर दो। बेबी मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, बस वही लड़की थी जो मेरी लाइफ में थी तुम्हारे अलावा। ना उससे पहले कोई थी, ना आप कोई आएगी, बस तुम ही रहोगी लाइफ में। आई लव यू बेबी, प्लीज माफ कर दो। बेबी मैं आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड MPL ऐप है, उसको अभी डाउनलोड करो, जिसके अंदर बहुत सारी गेम्स है जिसको आप खेल सकते हो और खेलते खेलते पैसे भी कमा सकते हो। तो किस बात का वेट है, अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय, लव यू।